गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणेश उत्सव का त्यौहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर गली, हर शहर, हर कुचे में आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं पंडाल के रूप में या अपने घर पे लोगों ने कई लाखों करोड़ों गणपति बाप्पा को घर पर अपने विराजित किया है। ऐसा ही एक बाप्पा है जिनको हूबहू प्रभु श्री राम की प्रतिकृति दी गई है और हूबहू उनकी जो मूर्ति है वो प्रभु श्री राम से मेल खाती है और इस मूर्ति को यहाँ स्थापित करने का श्रेय जाता है गोपाल जी वैष्णव नामक व्यक्ति जो हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। और पूरा इंटीरियर इन्हीं के मतलब दिमाग से सेट किया गया है। तो आइए इनसे जानने का प्रयत्न करेंगे कि प्रभु श्री राम की प्रतिकृति और अयोध्या की प्रतिकृति का ये जो सजावट आपने किया है ये कैसे किए। पहले सबसे पहले तो आप सबको गणपति बाप्पा मोरिया, आपको बताना चाहते हैं हमारा तीसरा साल है महाराजा प्रतिष्ठान की तरफ से हम लोग करते हैं। हमारे महिला अध्यक्ष कमला चौधरी जी है, हम लोग मिलके एक महिला टीम को लेके और हम लोग ने यहाँ पे ज्यादा करके हिंदी भाषी है, इन लोगों का देखते लोग अयोध्या के प्रति और सनातन धर्म के लिए इतने समर्पित लोग हैं ना, तो हमने सोचा कि नया कॉन्सेप्ट कुछ देना है, तो इसलिए हम लोग ने एक राम मूर्ति के लिए हम लोग ने गणेश दल्ला का सोचा। तो उस हिसाब से तो खाली मूर्ति तक के फायदा नहीं था, तो हम लोग ने पूरा पंडाल ही उसको ऐसा सजावट किया ना कि लोगों को लगे अयोध्या जैसा फीलिंग होना चाहिए और लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कल स्थापना का दिन था, पहला दिन कम से कम 3000 पब्लिक आई रहेगी, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको यहाँ पे और अच्छा एकदम हमको भी खुद को एक महाराजा प्रतिष्ठान को बड़ा नाम मिल रहा है और बापा को हमारे इतना देख सकते आप लुक, हम लोग ने इतना तैयारी करवाया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला ना राम जी के स्वरूप में, एक अलग ही वैभव मिल रहा है हम लोग को। मेरा प्रश्न ये है कि आपके दिमाग में ये बात आई कैसे कि आप जो आपका पंडाल है उसको अयोध्या का रूप दोगे। अरे अभी अभी का जो क्रेज है ना राम मंदिर का, जो जब से राम मंदिर बना है लोगों का एक ही सोच रहता है कि हमको अयोध्या जाना है, हमको अयोध्या के लिए राम मंदिर को दर्शन करना है, रामलला के दर्शन करना है। तो उसी हिसाब को देख के लोगों की सब ने हम लोग ने भेज देखा और लोगों की हमारे कैसे संपर्क जनसंपर्क आते सामने ही है, हमारा ऑफिस है ना वहाँ पे महाराजा प्रतिष्ठान का जनसंपर्क कर ले, वहाँ के लोगों की हम लोगों ने लाड़की पर योजना लगाई, उसमें लोगों का बोल रहा था कि अब की बार हमको अयोध्या जाना है, उसी बेस के हिसाब से हम राम ये किया और गणपति महाराज को रामलला के रूप में स्थापित किया। जैसा कि आपने देखा हूबहू एकदम अयोध्या की प्रतिकृति यहाँ पर स्थापित की गई है, भगवान श्री गणेश की मूर्ति भी प्रभु श्री राम की मूर्ति से मेल खा रही है। ये पूरे मीरा भाईंदर में ये एक अकेला ऐसा पंडाल है जहाँ पर प्रभु श्री राम और अयोध्या की प्रतिकृति स्थापित की गई। सभी अपने देशवासियों को गणेश उत्सव की बहुत सारी शुभकामना देती हूँ और अपने देश में ये अपने लोकमान्य तिलक जी ने जो गणेश उत्सव का प्रोग्राम शुरू किया है उनको ये प्रतिमा आगे बढ़ाने के लिए हम भी सौभाग्य बनते हैं कि हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में बहुत सारे हिंदूवासी, बहुत सारे अपने सब सामाजिक लोग जुड़ रहे हैं और अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है गणेश उत्सव का प्रोग्राम करके, आप लोग भी आए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम कमला चौधरी है और मैं सामाजिक सेवा बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ और इधर इंद्रलोक में ये सार्वजनिक गणपति करते हुए हम लोगों को 3 साल हुआ है। ऐसा इधर क्या है हर सोसाइटी में करते और सोसाइटियों में करते इसके लिए लोग बाहर नहीं आ पाते और हमने जो बाहर ये अपना सार्वजनिक गणपति रखा है इसका लोगों को इतना उत्साह है और हम लोग महिलाओं का प्रोग्राम इसमें ज़्यादा करते हैं, काफ़ी लोग इंटरेस्ट से आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए भी आ रहे हैं और बहुत अच्छा भगवान का ये राम मंदिर की झांकी बनी है। बहुत लोगों को ये भी एक यूनिक लग रहा है कि एक 500 साल बाद में एक राम मंदिर बना है अयोध्या में और आपने वही झांकी हमको इधर दिखाई है, इसके लिए भी बहुत लोग खुश है। धन्यवाद, जय माता दी।